असलम दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे मेरा नाम असल है और हमारा एक वीकेंड का जो स्पेशल लाइव सेशन है उसमें खुश आमजीद कहूँगा आज है ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या चैट में बताइएगा ज़रूर ठीक है एक सेकंड रुकेगा पे आप लोगों को नोटिफिकेशन दे लाइव दूव ठीक है भाई भाई बड़े मजे की आज जो है ना बड़े ही मजे की बा आज यार मैंने कल आप लोगों को बोल के किया था क्योंकि आई गेस थर्ड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में लाइव नहीं की मैंने बोला तो मैं मैंने बोला कि भाई सैटरडे संडे को भी हमारी लाइव हो जाए क्या ही बात है ठीक है वालेकुम 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 अस्सलाम 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 लाइक आते ही साथ लाइक आपके लिए बेहतरीन अली भाई बहुत शुक्रिया आपका जो अली भाई की तरह जो लोग हैं ना ये देखना अभी तो अर्निंग करेंगे करेंगे लेकिन जब मैं लाइव नहीं भी आता ना तब भी इनके पास इतनी नॉलेज हासिल कर लेते हैं ये लोग के तब भी पैसे छाप रहे होते हैं तो भाई वेल well डन बेहतरीन काम हो गया ये तो ठीक है वीडियो लाइक करते जाओ अगर सिग्नल आप लोगों को चाहिए तो ठीक है नहीं मिलेगा सिग्नल नहीं मिलेगा मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ ठीक है

अस्सलाम डिपॉजिट कर लिए हैं मिस्ट्री बॉक्स से सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो रिवॉर्ड मिला है आप जो कह रहे हैं हंड्रेड वो भाई वो मिलेगा आप अगर आपको जो अगर आप अगर प्रीमियम मेंबर हो ना तो वहाँ पे एक लिंक है जो पोस्ट मैंने डाली हुई है उसी पोस्ट के अंदर एक लिंक है ठीक है अब अगर आप ऐसे देख रहे हो ना लाइक like, अगर आप मुझे फ्री में फॉलो कर रहे हो आपको मैं दो हफ्तों के बाद एंट्री दिलवाऊंगा ठीक है या एटलीस्ट दस दिन के बाद एंट्री दिलवाऊंगा ठीक है समझो दो तीन हफ्तों का टाइम है पंद्रह पंद्रह मतलब एक बीस इक्कीस दिन है ठीक है तो हो सकता है दस दिन के बाद मैं आपको वो एंट्री दिलवाऊंगा या इस तरीके से ठीक है तो अभी आप लोगों ने क्या करना है अकाउंट बना के ट्रेडिंग कर देनी है क्यों जितनी जल्दी अक, असल काम है अकाउंट बना के ट्रेडिंग करना जितनी जल्दी आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है तो ये वाली सारी चक्कर है अच्छा जी दोस्तों आज की मार्केट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने अपडेट देनी है आप लोगों को अपडेट से पहले मैं आप लोगों को जो है वो सिग्नल का बता दूं भाई अब बहुत लोग बोल रहे होंगे भाई आपने सिग्नल का बोला था बीएनएक्स का आपने बोला है शॉर्ट का देखो भाई पहली बात तो ये सिग्नल हर किसी के लिए था अभी नहीं मैंने बड़ा तरीके से समझा के बार बार कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है अगर आपको यही पूछना पड़ रहा है ना यार गए गाय भी अगर आपको अभी भी मुझसे यही पूछना पड़ रहा है कि असद भाई इसको एंट्री इसको खरीद लें नहीं खरीदें ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है इसका मतलब है ये आपके लिए नहीं है ठीक है ये पढ़ा लिखा पढ़ लो पहले ये जो लिखा हुआ क्या है ये जो लिखा हुआ है किसी मकसद से लिखा हुआ है ठीक है बी एन एक्सी शॉर्ट की ट्रेड दी हुई है इसमें मैंने आपको क्या लिखा हुआ है आपने अपना रिस्क फैक्टर खुद मैनेज करना है ठीक है मैक्स लेवरेज मैंने आपको रेकमेंड की है फाइव एक्सी लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो आपको जरूरी नहीं आप फाइव एक्स करो आप हो सकता है टेन एक्स करो हो सकता है आप थ्री एक्स करो आपके ऊपर है दैट्स कंप्लीटली अप टू यू ठीक है अब जिन लोगों ने ये होशियारी में ये ट्रेड ले ली है ठीक है अब ये जब नीचे गिरा था अभी तीन घंटे पहले की दो तीन घंटे की पहले की बात है ठीक है पाकिस्तानी यूके के टाइम के मुताबिक पांच बजे की बात है ये ठीक है तो उस वक्त आपने एग्जिट क्यों नहीं किया मेरा आपसे सवाल बनता है आप प्रॉफिट में आए होगे ठीक है पहली बात भाई लिखा हुआ है कि ये न्यू के लिए नहीं है लेकिन आपने न्यू लिखा हुआ भी है पहला जुमला ये लिखा है नॉट फॉर न्यू फिर भी आपने अगर ये सिग्नल ले लिया और आप देख रहे हो यार एक दो परसेंट मेरा प्रॉफिट बन रहा है फिर मुझे मैसेज करने की जरूरत क्या है कि भाई असद भाई इसको एग्जिट कर ले हम अगर ये सवाल आपको पूछना पड़ रहा है इसका मतलब है कि आप अभी इसलिए इस ट्रेड के लिए रेडी नहीं थे ठीक है शॉर्ट की ट्रेड अभी बहुत ज्यादा रिस्क हुई हुई भी है लिखा हुआ अभी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड समझ आ रही है बात तो फिर वही बात है फिर वही बात है ये ट्रेड वैलिड है अपनी जगह पे अभी भी वैलिड है लेकिन अगर आप न्यूबी हो ऑन एवरेज अभी आप एवरेज प्राइस पे आपका होना चाहिए लाजमी तौर पे अगर आप एवरेज प्राइस भी नहीं है ना तो इसका मतलब है आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है आप पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग के बारे में सोचना ठीक है आपको लर्निंग का मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही प्ले बनी हुई है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो ठीक है सीधी सीधी सी बात है ये क्या किया आपने ये सारी चीजें देख ली अब इसके बाद हम बढ़ते हैं <coughs> हमारे मार्केट uh, अपडेट के ऊपर तो प्यारे प्यारे दोस्तों मार्केट अपडेट से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दो ताकि अगर आप लोगों को सिग्नल चाहिए तो ठीक है जिन्होंने लीना से प्रॉफिट बनाया भाई जल्दी ये बताओ कितना प्रॉफिट बनाया है लीना से जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों ने ये जो ट्वीट है ना इस ट्वीट पे रीट्वीट करना है दबा दबा के रीट्वीट करना है ठीक है कुछ भी हो जाए आप लोगों ने यहाँ पे रीट्वीट जितना कर सकते हो आपने इस पे रीट्वीट पर रीट्वीट करना है ठीक है क्योंकि भाई देखो हल्का सा नीचे ऊपर होता है तो आप लोग जो है परेशान हो जाते हो और तो भाई लॉस में जा रहा है अब जब यार गिरती हुई मार्केट में वाद मेरे ख्याल से अभी जितना लीना ने पंप किया आई डोंट थिंक किसी और चीज़ ने इतना कोई पंप किया होगा ठीक है तो प्यारे दोस्तों ये पिन हुआ हुआ है ट्वीट ठीक है दिस ट्वीट इज पेंड फॉर यू इस पर आप क्लिक करोगे ठीक है ये आपने क्लिक किया ये आपके पास जो है ट्विटर खुल गया ठीक है यहाँ पे आपने इसको रीट्वीट, ये देख रहे हो ये रीट्वीट पे क्लिक कर दिया ठीक है दबा दबा के आप लोगों ने रीट्वीट करना है हंड्रेड अच्छा या तो आप टू हंड्रेड यहाँ वीडियो में लाइक कर दें या इसको हंड्रेड रीट्वीट कर दें ठीक है तो ये इनमें से आप एक काम करेंगे तो अभी आपको सिग्नल मिल जाएगा बड़े धमाकेदार का जिस तरीके का लीना का प्रॉफिट बना है ना एक सौ सात परसेंट ने बनाया जिस तरीके से ठीक है ये देखो स्पॉट एक सौ सत्तर डॉलर प्रॉफिट बनाया ठीक है तो इसी तरीके से जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई ये आप लोगों ने इसको रिट्वीट करना है दबा दबा के रिट्वीट करो इसी तरह का एक और मजे का सिग्नल मिलेगा अभी लाइव सेशन के अंदर ठीक है अब जो इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने आप लोगों को देनी है वो आ जाओ जरा उस अपडेट पे हम बात करते हैं तो प्यारे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो भाई माजर चाहूंगा मेरे प्यारे प्रीमियम मेम्बर से क्योंकि बी को पंप होने से पहले मैं सिग्नल देना चाह रहा था लेकिन मैं बस एक आ, आ, चीज का वेट कर रहा था और वो चीज होने में जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया तो जो मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया है प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी जहां मैंने डिस्कॉर्ड में आप लोगों को दिया हुआ है वो भी ठीक है डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो भी आप मैं बोल रहा हूं डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन करो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे प्रीमियम मेंबर बनना ठीक है तो आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं टेन डॉलर आप मंथली है ट्वेंटी सेवन डॉलर है आपका टेन परसेंट डिस्काउंट है ठीक है तीन महीने के लिए आप ज्वाइन करते हो एक्यूरेसी एक्यूरेसी वगैरह वगैरह सारी चीज़ आपको ऑलरेडी आइडिया पहले से है सब ठीक है तो जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं यहीं पे कमेंट सेक्शन में ये देख रहे हो ये मैंने ये यहाँ पे पोस्ट कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे आप जो है प्रीमियम मेंबर बन सकते हो एक मिनट रुको इसको मैं यहाँ पे कॉपी और ये यहाँ पे मैं एडिट करके इसको मैं यहीं डाल देता हूँ एक मिनट रुको डिस्क्रिप्शन में ही डाल देता हूँ ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डाला ये रहा ठीक है ये आप बन जाओगे प्रीमियम मेंबर यहाँ पे आके डिस्कॉर्ड का लिंक है ये इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये पेज खुलेगा आपका या आपके अगर फोन में अगर आप है एप्लीकेशन तो डायरेक्ट वहां पे वो आपकी एप्लीकेशन खुलेगी ये क्या हो गया भाई व्हाट लिंक ओहो एक मिनट होगा ये ना हमेशा इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है गैप का इशू आ जाता है इसके अंदर हमेशा गैप के अंदर गैप का इशू आ जाता है एक ये जॉइन जो है ना जॉइन दूसरी लाइन में ठीक है ये देखो ये अब ये सही हो गया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये स्काउट खुल गया आपका ठीक है तो खैर साइनअप वाइनअप नहीं किया हुआ अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल है इस पर आपके अभी तेरह सौ से ज़्यादा मेंबर हैं होपफुली ओबियसली जब आप बाद में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे तो ये है ठीक है अच्छा जी तो यहाँ पे आपने क्या करना है ये ज्वाइन कर लें अगर प्रीमियम ये उनके लिए जो मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं मुझे इनबॉक्स में आके पूछ रहे हैं इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं यू एस दस डॉलर दस यू से आप जो है एक महीने का ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन डॉलर से आप तीन महीने का डिस्काउंट डिस्काउंटेड प्राइस पर तीन महीने का ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी द, जिल का टी क्या होना चाहिए अगर आपकी पुरानी वाली ट्रेड उसके नीचे नहीं सेल करना ठीक है जो पुरानी वाली ट्रेड है उसके नीचे सेल नहीं करना मैं फिर बोल रहा हूँ जो पुरानी वाली ट्रेड है उसके नीचे सेल नहीं करना चलो जी अच्छा जी अब जरा हम बात करते हैं हमारे बिटकॉइन के ऊपर मार्केट अपडेट मार्केट अपडेट जो अभी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज हमारे पास बैठी हुई है प्यारे दोस्तों ये यही पे बैठी हुई है कि हमारे पास आवली टाइम फ्रेम के अंदर और फोर आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है और बुलिश पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हो रहा है अगर मैं आपको हिस्टोरिक डेटा दिखा देता हूं तो यहां पे हमारे पास डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है ठीक है अब डबल बॉटम की मैं ज़्यादा इन इनडेप्थ नहीं जाऊंगा लेकिन बेसिकली डबल बॉटम क्या होता है यहाँ पर हमारे पास जब कैंडल जब पहला बॉटम होता है ना तो लेट से हमारे पास यहाँ पहला बॉटम है ठीक है ये रहा पहला बॉटम ये रहा दूसरा बॉटम और यहां पे आप फिर देख सकते हैं कि ये ऊपर चला गया ठीक है तो यही सनारियों हमारे पास दोबारा होने वाला है समझ आ रही है बात यही सनारियों हमारे पास दोबारा होने वाला है क्यों इसके बाद आप देखो ये देखो पहला बॉटम हमारा यहाँ बन चुका है और दूसरा बॉटम हमारा यहाँ बन चुका है अब मार्केट के अंदर बात सारी ये है मार्केट की अभी सारी बात ये चल रही है कि हमारे पास जो डबल बॉटम इन्वेलीडेसन वाली बात आती है जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स जानते हैं वो ये है मैंने आप लोगों को वैसे लाइव सेशन में वकार जगह प्राइवेट ग्रुप में भी बता चुका हूँ यहाँ पे भी अभी बता रहा हूँ मतलब पह, मतलब अब नई कोई चीज़ नहीं बता रहा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लाइव सेशनस के अंदर ठीक है उसमें ये है कि हमारे पास जब डबल बॉटम फॉर्म होता है ना तो जो पहला वाला बॉटम है जो पहला वाला बॉटम है इसकी बेसिकली आपके पास जो है अल्लाह भला करे आपका यार एक मिनट रुको जो है ना ठीक है, होल्ड ऑन यार आई फील लाइक आई शुड डेफिनेटली यूज द माइक द माइक द माउस ओके ना, इट गेट्स अभी डिफिकल्ट, डूइंग एवरीथिंग विद माउस पैड, तो एक सेकंड रुकिएगा जरा तो खैर अपडेट में आपके पास भाई यही वाली बात है कि हमारे पास अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन बैठी है ना, अब ये देखो जो प्रीमियम मेंबर्स हैं अब अगर ये उन लोगों ने नहीं सुना और उन्होंने अंधाधुन ट्रेडिंग की है ना तो फिर उनका नुकसान होगा मैं फिर बता रहा हूँ ठीक है तो ये अब लाइव सेशन जो है ना फ्री मेम्बर से ज़्यादा प्रीमियम मेंबर्स के लिए ज्यादा इम्पोटेंट है क्योंकि उनको मैंने अभी जो ट्रेड दी है उनको पता है वो क्या ट्रेड है और उनको पता है कि भाई कितनी ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी मैं फिर बता रहा हूँ अगर आप लोगों ने सही से ट्रेडिंग नहीं की है तो फिर मसला होगा ठीक है अब ये जो डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है प्रॉपर ब्रेकआउट इसके लिए हमें क्या चाहिए इसका हमारे पास ब्रेकआउट बनता है लगभग लगभग हमारे पास मार्केट के अंदर एक पंप आना चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट आवरली कैंडल तीन कैंडल्स फॉर्म हो और वो कहाँ फॉर्म हो वो इस तरीके से फॉर्म हो कि मार्केट के अंदर हमारे पास जब पंप आए तो वॉल्यूम अच्छा खासा हो ये नहीं कि बस खत्म बस हल्का सा ऊपर और खलास दैट्स इट

यार आई डोंट थिंक आई शुड यूज दैट खैर देखो जब हिस्टोरिकली स्पीकिंग में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है पहला वाला हमारा जब बॉटम फॉर्म होता है जो इसकी कैंडल्स फॉर्मेशन होती है ना तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल की बॉडी है ठीक है कैंडल की बॉडी की जो आपकी प्राइस होती है लेट्स से हमारी ओपन और क्लोज होती है ना अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है ठीक है अब रेड कैंडल की अगर आप एक मिनट हो यहाँ पे अगर हम देखें ठीक है भैया एक मिनट इसको यहाँ पे मैं अगर अपना से लेके जाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरे भैया इट इज वे टू सेंसिटिव दिस कीपैड खैर कीपैड माउस पैड वट अच्छा तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है इसमें आपके पास जो लोअर प्राइस है आपकी ठीक है वो लोएस्ट लगी है तकरीबन टवेंटीड एंड सेवेंटी वन डॉलर की ठीक है अब आपने देखना है कि एक तो विक होती है आपकी ये मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा तो मैं बॉडी तक रखूंगा अभी डबल बॉटम को पहले बॉटम के अंदर जो आपकी बॉडी होती है ना कैंडल की जो लोएस्ट बॉडी होती है ठीक है तो यहाँ पे क्लोज हमारी कहाँ हुई है ये रेड कैंडल है रेड कैंडल की बॉडी किस तरफ क्लोज होती है नीचे की तरफ तो रेड कैंडल की क्लोज किस तरफ हुई है हमारे पास ट्वेंटी सिक्स सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन डॉलर ठीक है तो ये लेवल आपने अभी याद रखना है ठीक है ट्वेंटी होंगे ट्वेंटी सिक्स था यार ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन फाइव सेवन ट्वेंटी सिक्स सेवन फाइव सेवन ये है रेड कैंडल का क्लोज ठीक है अब अगली कैंडल हमारी रेड नहीं बनी है अगली बनी है हमारी ग्रीन तो आसान में इसको आपको आइडिया देने के लिए मैं क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम बॉडी को देखेंगे हम ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाएंगे अभी ठीक है तो यहाँ पे आप अगर देखो तो कैंडल क्लोजिंग कहां होती है हमारी तकरीबन आपकी यहां पे कैंडल क्लोजिंग बनती है बल्कि एक मिनट ये मेरे ख्याल से हाँ जी तो यहाँ पे अब आप अपनी कैंडल क्लोजिंग देखो यहाँ पे आपके पास कैंडल क्लोजिंग हो रही है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डॉलर ठीक है वो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन टू सिक्स पता नहीं कुछ इस तरह की कैंडल क्लोजिंग थी ठीक है अब यहाँ पे आपका फर्क कितना आ रहा है जो आपकी क्लोज प्राइस है उसका अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है अब ये फोर आवर का टाइम फ्रेम मैं देख रहा हूँ ठीक है अब फोर आवर के अंदर क्या चीज़ हमने देखनी है जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि फोर आवर का टाइम फ्रेम हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अवली टाइम फ्रेम ठीक है ये दोनों टाइम फ्रेम अभी बहुत ज़्यादा क्रूशल है हमारे पास सबसे पहले जो अभी आपने चीज़ देखनी होगी वो यही चीज़ होगी कि फोर आवर की जो कैंडल है ठीक है वो बुरी क्लोज नहीं हो अब बुरी क्लोज किस तरीके से ये हिस्टोरिक डेटा हमें बताएगा अभी इसके अंदर हमारे पास जैसे ही बी ने पंप लिया है ठीक है ये आपकी कैंडल यहाँ क्लोज हुई है लाल वाली 26,700 साढ़े सात सौ कर लो चलो फिर यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन हुई है कितने लगभग आपके 500 डॉलर ऊपर ठीक है अब इसका अगर आप वॉल्यूम भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है वॉल्यूम कम नहीं है ठीक है इसी तरीके से हमारे पास जब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पहला बॉटम फॉर्म हुआ है हमारा अब हम यहाँ पे अगर देखें तो लगभग हमारे पास जो पहला बॉटम फॉर्म हुआ था कब हुआ था इसी महीने के मतलब कुछ दिनों पहले हुआ था ठीक है नीचे आप देख सकते हो टाइम वगैरह वगैरह तो यहाँ पे हमारे पास जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई है ये भी लगभग सिमिलर जो है समझो रेंज में हुई है ठीक ट्वेंटी सिक्स की ही रेंज है दो सौ तीन सौ का फर्क है लेकिन अब आप यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे इतना ऐसा कोई हमारे पास ब्रेकआउट नहीं मिला है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है ये वॉल्यूम कम है यहाँ पे समझ आ रही है बात सॉरी uh, यहाँ पे वॉल्यूम कम है जिस तरीके से ये यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास पाँच सौ डॉलर के डिफरेंस के हिसाब से हमारी कैंडल क्लोजिंग कम हुई है यहाँ पे हमारा सिचुएशन ऐसी नहीं है यहाँ पे तकरीबन हमारे पास कितनी अगली कैंडल जो क्लोज हुई है क्या मरे से मरा सौ दो सौ सौ डॉलर भी नहीं हुई है ऊपर कैंडल क्लोज समझ आ रही है बात तो ये जो डिफरेंस है ना ये आपको बता है कि आपका वॉल्यूम किधर है भाई समझ आ रही है आपको बात तो ये मई का जो महीना हमारा माशाल्लाह से गुजरा है ना इसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल निचोड़ दिया है मार्केट को वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है हमारे पास मार्केट के अंदर अब ये जो डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है अब इस डबल बॉटम का ये जो फॉर्मेशन हो रही है लेकिन इस डबल बॉटम के साथ जो लैक ऑफ वॉल्यूम है ये रेड साइन है हमारा ठीक है अब जितना हमारा ये वॉल्यूम घिरेगा जितना घिरेगा उतने हमारे समझो रेड बेरिशनेस सेलर्स हावी होते जाएंगे पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि हम ब्रेकडाउन की तरफ जाएं अभी यहां पे अगर आप नीचे की तरफ देखो बिल्कुल खत्म हो गया वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया वॉल्यूम अब यहां पे आपके पास एक आसरा बचा है जो हमें पंप की तरफ लेके जाएगा ठीक है और वो पंप हमारा लगभग ये जो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमारी टेस्ट हो चुकी है तकरीबन टवेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डॉलर से स्टार्ट होती है बेसिकली रेजिस्टेंस और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डॉलर पे मतलब ये चीज की पीक है चार सौ डॉलर तक भी जाती है वैसे तो ये ठीक है तो ये बेसिकली हमारी जोन टेस्ट होगी समझ आ रही है बात अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं ठीक है यू कैन डू वट एवर यू लाइक मैं आपको मार्केट एनालिसिस दे रहा हूँ इसकी बेसिस पे आप डेफिनेटली ट्रेड करो स्पेशली अगर तो आप एक्सपीरियंसड uh, ट्रेडर हो तो मुझे पता है हंड्रेड एंड टेन परसेंट आप लोगों ने ये लेना ही है एंट्रीज ठीक है लेकिन मैं फिर बता दूँ ये जो मैंने काटा पीटी की है ना अच्छा एक चीज़ मैं आपको और डबल बॉटम के बारे में बताना चाहूंगा एक तो मैंने आपको वॉल्यूम का बताया ठीक है कि वॉल्यूम देखो नहीं है भाई हमारे पास बिल्कुल अब वॉल्यूम के साथ साथ एक और मैं डबल बॉटम के बारे में चीज बताऊंगा बॉडी रिलेटेड कैंडी की कैंडी uh, कैंडल की बॉडी रिलेटेड एक और बात आपको इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है ये वैलिड डबल बॉटम है या डबल बॉटम नहीं है इसकी कंफर्मेशन कम है मैं एक बात बता देता हूँ कंफर्मेशन के लिए मैंने मैंने आपको क्या साइन दिया है वॉल्यूम का अब देख रहे हो क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है मार्केट क्या कर रही है पंप कर रही है लेकिन लेकिन क्या हो रहा है वॉल्यूम जब तक वॉल्यूम कम आएगा नहीं होगा ना फायदा नहीं है किसी चीज का मैं फिर बता रहा हूं आपको ठीक है तो वॉल्यूम का ख्याल रखो अब अगली बेस हमारी क्या बनती है अगली बेस हमारी यह बनती है कि जब जब आपके पास डबल बॉटम का आ, 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 आप देखते हो स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे जब आप पहली वाली जो बॉटम बनता है इसकी जो कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट है बॉडी का सॉरी इसकी कैंडल की बॉडी जो है ना विक नहीं शेडो को नहीं देखना आपने देखना है बॉडी को तो यहाँ पे हम पहले मरतबा को अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है ग्रीन कैंडल काफी ज्यादा नीचे गई थी और इसकी ओपनिंग वैसे इसकी अगर हम बॉडी इसकी बॉडी को मैं देख लेता हूँ ओपनिंग ऐसे बता दो तो भैया इसकी यहाँ पे अगर हम ओपनिंग देखें ट्वेंटी थ्री ठीक है तो ये है इसकी ओपनिंग और यहाँ पे एक मिनट को ज़ूम इन करना ही पड़ेगा मुझे थोड़ा रुको जरा चलो भाई मच मच बेटर ठीक है अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अरे भैया यहाँ पे आप देखो ये वाली जो हमारी बॉडी है ठीक है इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बैठी है वो ये चीज़ बैठी है कि जो हमारी ओपनिंग की प्राइस बैठी हुई है ना उसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि इसके नीचे जो डबल बॉटम बन रहा है उसकी कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज ना हो पहली चीज़ तो ये मैं ज़्यादा इनडेप नहीं जाऊँगा मैं आपको क्योंकि यार अगर आप मुझसे एक पैटर्न के बारे में पूछोगे ना मैं पचास चीजें हाईलाइट ऐसी कर सकता हूँ जो आपको कभी आपने बड़ी कोई तो उससे सुना हो आपने ठीक है ये मैं आपको बड़े बड़े ट्रेडर्स के राज बता रहा हूँ कि अभी मार्केट के अंदर मूव क्या आने वाला है इसलिए बोल रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो है ना वो ये अपडेट होगी एंड माय लैपटॉप इज आउट ऑफ चार्ज वेल नॉट आउट ऑफ चार्ज बट स्टिल लो बैटरी तो पहली चीज़ तो आपने मैंने आपको कैंडल्स का बहुत सारा आइडिया ऑलरेडी दे चुका हूँ अब क्या भाई नेक्स्ट मूव क्या बनता है इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वगैरह 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 देखो भाई अगर तो ब्रेकडाउन होता है तो वो होगा लैक ऑफ मी पुट इट ऑन चार्ज असल में इट इज़ बीइंग चार्ज बट इट इज बीइंग यू विद यूएसबी सी तो मेरे ख्याल से इसकी पावर कंजम्पन मोमेंट ज़्यादा है, so uh, 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 खैर चलो भाई, सेट हो गया मामला अब ठीक हो गया अच्छा जी मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो ये जो बॉटम बन रहा है ना ये बॉटम के अंदर इशू आ रहा है ये वाले नहीं ये वाला नहीं इसके अंदर देखो ये डबल बॉटम हमारा अच्छा बना और इसकी वजह से हमें पंप आया है यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है जो असल इशू आ रहा है वो हमारे पास करंट सिनारीो में आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पहला बॉटम बना है इसकी जो लोएस्ट बॉडी बनी है मेरा ख़्याल से वो ये वाली बनी है और क्लोज बन रही है आपकी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू नाइनटी टू डॉलर्स पे ठीक है अब आप ऐसे ही देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल ये डॉटेड लाइन आ रही है करसर की कर्सर के ही अलोंग अलोंग द वे ये ये देख रहे हो यहाँ पे ये कैंडल्स जो बन रही हैं कितनी सारी कैंडल्स बन रही है और हमारे कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है ये अच्छा खासा बड़ा टाइम फ्रेम है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये अल्लाह भला करे आपका अच्छे खासे कैंडल्स आपकी जो है नीचे की तरफ बन रही है ठीक है एक दो तीन चार पता नहीं तीन चार कैंडल्स बन रही है और ये फोर आवर के टाइम फ्रेम के अंदर है जो कि इन्वेलीडेट कर देता है किस चीज़ को डबल बॉटम को तो इस वजह से अगर आप ट्रेड लेते हो अभी कोई भी सनारियों में फिर बोल रहा हूँ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट टीए करके आपको सारी चीज़ें बता दी कैंडल्स की एक एक नुकता मैंने बता दिया कहाँ किस तरीके से लगता है और कहाँ गलत होता है कहाँ वैलिड होता है कहाँ इनवैलिड होता है कैंडल के पहले जो बॉडी की जो पहले बॉटम की जो कैंडल की बॉडी है लोएस्ट उस पॉइंट के नीचे सेकंड बॉटम की कोई भी बॉडी कैंडल की नहीं फॉर्म होनी चाहिए यहाँ हो चुकी है इनवैलिड है मे बी अनटेल और अनलेस वी गेट अ गुड वॉल्यूम अगर हमारे पास अच्छा वॉल्यूम आ जाता है ये पंप करेगा और बड़ा शानदार किस्म का पंप करेगा इतना पंप करेगा <coughs> तकरीबन हमारे पास यहाँ पे थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बेसिकली एक नया हमारे पास हायर हाई बनेगा ठीक है थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर तक हमारे पास यहाँ पे पंप आएगा कहां तक पंप आएगा कहा थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर आपके पास समझ आ रही है आप लोगों को बात क्या बोल रहा हूं आपको मैं <coughs> ये तो बटरफ्लाई पैटर्न बना है पता नहीं कौन सा बटरफ्लाई बना दो भाई ड्रैगन ड्रैकुलर बटरफ्लाई यूनिकॉर्न दिला सब बना दो सारे जानवर छाप छाप दो क्या प्राइस मैंने बताई है क्या लेवल मैंने आप लोगों को बताया जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे जवाब दे दिया करो यार ताकि आप लोगों को पता चल जाए मुझे तो पता है सिग्नल भी दे रहा हूँ मजे भी करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी बता दो भाई क्या लेवल बिल्कुल भाई इनवैलिडेट होगा तो फिर दिन से जाएंगे इनवैलिडेट होगा तो फिर होगा फिर देखेंगे ठीक है अभी तो सोनारियो कुछ और लग रहा है ना अभी तो सनारियो कुछ और लग रहा है अभी बुलिश सनारियो लग रहा है ठीक है तो अगर ये बुलिश सनारियों प्ले आउट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास मार्केट के अंदर पंप आएगा ठीक है और भाई पंप एंड डंप से ही तो आपको पैसे बनाने वॉलीडिलिटी होगी मार्केट के अंदर तो आपके पैसे बनेंगे पी एन एस ट्रेड स्टील वैलेड बिल्कुल वैलिड है लेकिन अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है तो बर मेहरबानी आप ये ट्रेड से एग्जिट कर जाओ ब्रेक इन पॉइंट पे बैठे हो कोई इतने ऐसे लॉस में नहीं बैठे आप निकल जाओ उसके अंदर से ठीक है सीधी सीधी सी बात है ना, वो तो कोई और बनाता है बस भाई वो बस बनते ही हैं खैर बहरहाल अभी आप लोगों ने समझ लिया यार yeah, कमेंट्स ही नहीं आ रहे आप लोगों के इफ इट्स इनवैलिडेटेड देन वी गो डाउन वो तो जाएंगे ना <coughs> क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था एक लोअर लो लगेगा ठीक है लेकिन देखो मार्केट के अंदर अडेप्ट देखो बात सुनो क्रिप्टो ना मेरी नहीं है आई एम ओनली एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ ठीक है अगर ये मैं बोलूं भाई ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे चला जाए तो फिर आप बोलोगे ऐसा भाई आपने तो ये बोला था तो जब मैं बोल रहा हूं, जब जो चीज बोल रहा हूं, उस वक्त के लिए आप रेडी रहो अपनी ट्रेड्स को उस तरीके से मैनेज करो ठीक है तो ये सारी सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए भाई अडेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते किसी भी मार्केट के अंदर भले आप कोई रेंटल प्रॉपर्टीज का बिजनेस शुरू करो भले आप कोई फेसबुक का कोई बिजनेस शुरू करो या भले आप कोई बेकिंग का बिजनेस शुरू करो कुकिंग का शुरू करो आप जब बिजनेस की दुनिया में आते हो तो आपको मैंने अच्छा मैंने आप लोगों को हमेशा ये बात कही है कि क्रिप्टो जानदार मार्केट है भाई ये जानदार मार्केट है ये आपको मैंने बहुत मरतबा कह चुका हूँ बहुत मरतबा कही है ठीक है तो ये जो जुमला है ना मेरा कि मार्केट हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है ये बहुत जानदार मार्केट है ठीक है तो प्यारे प्यारे दोस्तों इस जानदार मार्केट से आप लोगों ने प्रॉफिट बनाना है मार्केट की सुन के ना कि भाई आप कि नहीं मेरा तो दिल नहीं कर रहा मेरा तो दिल कर रहा है मार्केट नीचे जाए देखो आपको आप लोगों की मुझे बैंड बजानी हो तो मैं बोल दूंगा भाई खल्लास ठीक है वॉट शुड बी लॉस किस चीज का स्टॉप भाई कहाँ तक जा सकता है उठाओ डबल डिजिट का वेट वेट करो करो इसका इसका स्पॉट स्पॉट की बात कर रहा हूं। में उठाओ और माशाल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया थैंक यू वेरी मच सर आ, आपके इस कमेंट का भी भाई बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे इस तरीके से फीडबैक देते हैं ना जब मैं लर्निंग मटीरियल आप लोगों को समझा रहा होता हूँ तो ये गुड नेक्स्ट टॉप गेनर टेलेंग्राम पे म्यूट कर दिया आपने शायद नहीं भाई मैं कुछ नहीं किया मैंने किसी को कुछ नहीं किया वा मैं क्यों करूँगा मेरा क्या मुझे पता ही नहीं है कितने लोग हैं हज़ारों तो लोग हैं मैं क्यों इतना टाइम थोड़ी होता है मैं आप लोगों के लिए सिग्नल बना ले बना ले बना बनाने के लिए बैठा हुआ म्यूट करने के लिए बैठा हुआ आप लोगों को कॉमन सेंस वाली बात होती है समझ आ रही है भाई बात अच्छा भाई अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करनी है तो बता दो 200 लाइक्स मैंने आप लोगों से बोला था या तो 200 लाइक्स होंगे या फिर 100 रीट्वीट्स होंगे जो होता है पहले आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा अगर तो आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते तो वेल एंड गुड मेरा उससे कोई जाता नहीं है लेकिन अगर आप लोगों ने इस ट्वीट को फिफ्टी फाइव ट्वीट से उस वक्त अभी भी चलो किसी एक बंदे ने और रिट्वीट कर दिया ठीक है लोगों का पता नहीं कितने परसेंट प्रॉफिट बना यार लेकिन पीपल आर स्टिल नॉट मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ कि पता नहीं क्यों क्या मसला है रीट्वीट करने में क्या मसला जाता है आप लोगों को रीट्वीट कर दो भाई 100 रीट्वीट हो जाए या तो 200 लाइक्स हो जाए वन थिंग और दी अदर एंड देन आई विल गिव यू अ सिग्नल ठीक है वन क्वेश्चन सर इफ वन ट्रेड बाय BTC इन स्पॉट एंड दी अदर ट्रेड बाय BTC इन फ्यूचर लॉन्ग सेम इंपैक्ट ऑन डिफरेंस है किस चीज का इंपैक्ट मेरे भाई आप अगर ट्रेड खोलते हो स्पॉट के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है नहीं दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है अगर आप ग्लोबल बात करो अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है अगर आप सौ डॉलर का बिटकॉइन बाय कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप चालीस पचास बिटकॉइन खरीद रहे हो तो वो तो जाहिर सी बात है उससे फर्क पड़े पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा ठीक है अच्छा भाई आप पहले लोअर लो बनेगा या हायर हाई सवाल आपका बहुत अच्छा है ये देखो ब्रेकआउट के लिए मैंने क्या आपको बोला है आप लोगों ने असल चीज़ मिस कर दी है समील्ला भाई आपका सवाल बड़ा अच्छा है लेकिन आपने एक बहुत क्रूशल पॉइंट मेरा मिस कर दिया है ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो हम पंप करेंगे ब्रेकआउट कंफर्म किस तरफ मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी प्रॉपर लेवल के साथ मैंने आपको बताया है सत्ताईस हज़ार तीन सौ डॉलर या चलो सत्ताईस हज़ार चार सौ डॉलर ले लो यार एज राउंड फिगर कर लो चलो तो इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए थ्री आवर्स थ्री कैंडल्स चाहिए आवरली आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्रेकआउट होगा ना हमारा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ लकीर में ये सीधा ऊपर एक ही घंटे के कैंडल में चार हजार डॉलर पंप करेगा भाई मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे तो पहले ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे ठीक है कितने डॉलर का फर्क है यार इतना भी क्या सात सौ आठ सौ डॉलर पंप होगा सात सौ आठ सौ डॉलर के पंप के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगी ना हमें फिर ये मजीद जाके पंप करेगा फिर यहाँ पे हायर हाई का हमें कन्फर्मेशन मिलेगी लेकिन पहले ब्रेकआउट तो कंसिडर कंफर्म हो तो आप लोगों ने अभी अगर ये मेरी पूरी यार ये पूरी वीडियो देख लो क्योंकि अगर एक बंदे ने मुझसे ये पूछा तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं आई ये बात समझ आप लोग बोल रहे होंगे असल भाई आप दो तरफा बातें कर रहे हैं नहीं मैं दो तरफा बातें नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं ब्रेकआउट मिलने वाला है ब्रेकआउट किस तरीके से देखना है मैंने वो भी बता दिया ब्रेकआउट डबल बॉटम किस तरीके से प्ले आउट होगा मैंने वो भी बता दिया डबल बॉटम किस तरीके से इनवेलीट हो सकता है वो भी बता दिया ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहां से थप्पड़ लगेगा बी को करारा और जोर से के सबके दिलों में वो गूंजेगा और जिन जिन लोगों लो ने लॉन्ग की डेट्स खोली हुई है सबकी बैंड बजेगी बशर्त आपकी एंट्री और एग्जिट सही जगह पे हो जिस तरीके से मैंने अपने वी आई वी मेम्बर्स को बताया हुआ है ठीक है भाई वी आई पी मेम्बरशिप की फायदा यही है आप फेसबुक के ईयरली के मेंबर्स हो या फिर अगर आप जो है फे, फेसबुक के, के मंथली के मेंबर हो या डिस्कॉर्ड के प्रीमियम मेंबर हो आप तीनों को मैंने सारी चीजें सेम बताई है ठीक है अब अगर आप ये जो ढाई सौ लोग देख रहे हैं अगर इसमें से मैं चाह होपफुली हो, ये मेरे प्रीमियम मेंबर्स आ रहे हो ठीक है क्यों मैं चाहता हूँ कि भाई ज, ज, जो लोग ट्रेड उठा रहे हैं वो बगैर अंधाधुन ट्रेडिंग ना करें समझ आ रही है बात तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सबको बोला मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी बोला कि लाजमी ज्वाइन करना है आज की लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिए जितना भी मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में समझाया है और जितनी भी मैंने आपको मार्केट अपडेट दी है ठीक है चलो भाई टू हंड्रेड लाइक्स हो ही नहीं रहे यार आप लोगों के मैं वेट कर करके थक गया पिछले सात मिनट से वेट कर रहा हूँ क्या करू लाइक like कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे है? देखो फेक लाइक like नहीं करवा देना ठीक है अच्छा जी आज लाइकिंग दीडियो टू हंड्रेड लाइक्स डन चलो भाई बाइंग कर लें फिर ट्रेड हो जाए फिर कौन कौन रेडी है कौन कौन रेडी है भाई कौन कौन रेडी है पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन रेडी है कौन कौन रेडी है यार असल में जो लोअर लो लगना था ना समीर भाई आपका एक सवाल वो जो सवाल है ना लोअर लो यहाँ पे लग जाना चाहिए था पता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे अभी भी लगता है ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव ये एक मतलब मुझे लगता है गट फीलिंग है कि ये मुझे आएगा ये लग तो जाना चाहिए था यहाँ पे लेकिन नहीं लगा ठीक है अब देखो अब अगर कोई चीज नहीं लग रही है तो फिर मतलब उसके अंदर हम कुछ उसको नीचे खींच के तो ला नहीं सकते भाई समझ आ रही है बात तो ये वाली बात है अच्छा भाई एक मिनट रुको मैं जरा इसको कंफर्म कर रहा हूँ मोस्ट लाइकली ओके एक्स या एम एक्सी के ऊपर होगा तो एक मिनट रुकेगा जरा आप लोग ताकि मैं जल्दी से ये चेक कर लूँ कि आप लोगों को सिग्नल देना किधर है ठीक है ना अच्छा जी मे बी हम फेडस पे ले लेते हैं स्ट्रेट क्या कहते हो आप लोग पहले तो मुझे बताएं आप लोग रेडी हैं आर यू ऑल रेडी फॉर सिग्नल और नॉट आर यू ऑल रेडी रेडी का मैसेज कर दें जल्दी जल्दी से रेडी कर दें भाई मार्केट तो पम्प कर रही है मार्केट तो पम्प कर रही है तो मार्केट तो पम्प ही करेगी और क्या करेगी पम्प ही कहता बोल रहा हूँ इतने आधे घंटे से और क्या समझा रहा हूँ उतनी देर से भाई हम्म चलो एमएक्सी आ जाओ भाई एमएक्सी आ जाओ एमएक्सी आ जाओ आज हम एमएक्सी पे एमएक्सी में काफी दिन होगा ना नहीं किया हमने ट्रेडिंग एमएक्सी आ जाओ एमएक्सी भैया एमएक्सी भैया एमएक्सी भैया एमएक्सी 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 स्पॉट की ट्रेड है जनाब स्पॉट के अंदर रेडी हो जाएं आप लोग स्पॉट के अंदर रेडी हो जाओ सब हो जाओ रेडी 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 जल्दी जल्दी कमेंट मुझे चाहिए रेडी के रेडी के कमेंट चाहिए मुझे स्पॉट uh, के अंदर है ये हमारा जवान और इसका नाम है रेड आर ए डी क्या है रेड आर ए डी के नाम से है ये ठीक है भाई इसके अंदर असल में अक्यूमुलेशन चल रही है और अभी अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखो तो बेचारा अभी ज़मीन में पड़ा हुआ है स्टॉप uh, लॉस भी ऑब्वियसली इसका बैठा हुआ है अपनी जगह पे लेकिन अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है और मार्केट का अगला जो मूव चल रहा है अच्छा अब ये हाई रिस्क है ये भी हर किसी के लिए नहीं है कहाँ <coughs> कहाँ से रखूँ अच्छा ट्रेडिंग में तो ये रहना एक मिनट भाई एक मिनट लगा रहा हूँ दे रहा हूँ सबर कर लो सबरन भाई सबरन ठीक है भाई एक मिनट अच्छा जी कह टेक्स्ट टेक्स्ट अच्छा जी हाई रिस्क ट्रेड स्पॉट नहीं पहले स्पॉट लेता हूँ आप लोग जो है ना फ्यूचर्स में जाने का बड़ा ही शौक है स्पॉट ट्रेड ओनली लिखा हुआ है ओनली और ये है एम एक्सी की ट्रेड मैं फिर बोल रहा हूँ इधर उधर उठाओगे मसले करोगे फिर मुझे नहीं बोलना सर भाई ये हो गया वो गया फ्रेड वगैरह वटैवर ठीक है एंट्री टी पी टी पी से पहले हम लगाते हैं स्टॉप लॉस एक मिनट एस एल और एस एल हमारा यहाँ लगेगा एक मिनट रूप स्पॉट नाम तो लिख दूँ इसका मैं पहले आर ए डी स्लैश यू एस डी थी। टी ठीक है स्लैश के वजह क्वेश्चन मार्क क्लिक किया चलो भाई क्या है चल रही है अल्लाह अल्ला बता करे इसका चलो बाय कर लो आराम से बाय पार्ट्स के अंदर एंट्री है भाई फिर बोल रहा हूँ पार्ट्स के अंदर एंट्री करना है वो नहीं करना तो फिर नहीं करना पार्ट्स के अंदर एंट्री करना वरना नहीं करना नुकसान होगा सही है पार्ट्स के बगैर एंट्री नहीं करना बार बार यही जुमला आपको बोलता हूँ बार बार यही कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आराम आराम से एंट्री लिया करो कोई जल्दबाजी नहीं किया करो समझ आ रही है एट आ, सेवन एट का आपकी अरे तो भाई वन, वन एट सेवन मतलब वन एट सेवन एट का इसकी आपकी मैक्सिमम बाइंग है इसके ऊपर बाइ नहीं करना और यहाँ पे अगर आप इसकी नीचे की बाइंग का लेवल देखते हो तो अल्लाह करे आपका यहाँ पे हम इसकी बाइंग करेंगे लगभग वन पॉइंट सेवन फाइव तक की ठीक है सेवन फाइव फाइव बेसिकली इसका कंसिडर कर सकते हैं आप ऐसे सेवन फाइव फाइव तक कर कर लो ठीक है और स्टॉप लॉस अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपके पास है अल्लाह कर वन पॉइंट सेवन ज़ीरो सही है सेवन ज़ीरो सेवन करो इसका और आवरली क्लोज़ बिलो वन पॉइंट सेवन टू सिक्स नाइन ठीक है मैं इसको थोड़ा इधर कर देता तो, हूँ समझ आ रही है बात अब भाई इसके अंदर पंप भी अच्छा आएगा इन ठीक है तो भाई ये हमारा है अल्लाह पंप की अगर हम बात करते हैं वन पॉइंट नाइन सिक्स नाइन बल्कि एक मिनट थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया नाइन सिक्स नाइन तो जाएगा नहीं बैसे तो कहाँ तक दूँ आपका मैं ये नाइन फाइव पे तो मरा मरा जाएगा तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ आपको ऐसा करते हैं हम इसको करते हैं जीरो वन पॉइंट नाइन थ्री नाइन नाइन पहला टारगेट है थ्री नाइन मतलब ये ऐसा करो नाइन फोर फोर ठीक है इसके बाद हम करेंगे इसको 1.99 1.99 के बाद हमारा टारगेट है इसका 2. पॉइंट टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट वन टू थ्री फिर है भाई ये इसके टारगेट्स हैं आराम से, से सेलिंग है बरए मेहरबानी ज्यादा जो है ना भाई ये सिग्नल आप पोस्ट कर दें जितने भी प्रीमियम ग्रुप्स हैं उसके अंदर पोस्ट कर दो भाई इसको सिग्नल्स को ठीक है सिग्नल को पोस्ट कर दें जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं स्क्रीनशॉट ले लो नोट लिख लो प्रैक्टिस कर लो डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो आप इस पे अगर आप बिल्कुल न्यू का मारो, अरे मैंने दे तो लिखा ही नहीं कि न्यूबीज के लिए नहीं है हां स्ट्रेट नॉट फॉर न्यूबीज एक मिनट ये वाला स्क्रीनशॉट पोस्ट करना भाई ये वाला देखो ये रहा एक और सिग्नल दूं रीट इसको 100 रीट्वीट मारो जल्दी से ट्वीट को जल्दी से ट्वीट को 100 रीट्वीट मारो एक और सिग्नल दे देता हूँ आपको दो क्वाइन अभी मेरे पास मजीद नजर में तो बैठे हुए हैं लेकिन हंड्रेड रि ट्विट हो गई नहीं कभी हो बड़ी बात है करते ही नहीं हो आप लोग मजा ही नहीं आता फ्यूचर सिग्नल असल भाई ट्विटर पर करते हैं आपका रेफरल देकर है सर फेयर से नहीं नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा रहा क्यों भाई यार तीन टाइम है ना उनके तीन टाइम में हो जाएगा किसी भी टाइम सिर्फ से एक्सचेंज पर नेट प्रॉफिट कैसे वॉलेट अकाउंट में सेंड करूँ प्लीज गाइड में यार वो ट्रांसफर का बटन होगा ट्रांसफर पे क्लिक करोगे ना फिर वहां से आप उसको खींच सकते हो ठीक है हम्म करेगा क्यों नहीं करेगा और अभी ये तो मैंने छोटी मोटी स्केल्प दी है मैं सोच रहा हूँ एक आठ टारगेट आपको कंग सोच रहा हूँ एक आध टारगेट आपको थोड़ा लंबा दे दू एक, एक और एक और दे दू एक और दे दू एक और दे दू होल्ड लिटिल अंटिल 2.69 तक इतना इसको होल्ड करो तो ये प्रॉफिट बल्कि इसको प्रॉफिट होल्ड कर लो अपना प्रॉफिट जो है ना होल्ड कर लेना लिटिल अमाउंट और प्रॉफिट जो आपको मतलब बेहतर लगता है ऑब्वियसली आपके अपने रिस्क फैक्टर के ऊपर है कि भाई आपको क्या हिसाब किताब बेहतर ज्यादा लगता है समझ आ रही है बात तो इस हिसाब से है ही है समझ आ गई बात तो अच्छा खासा इसके अंदर पोटेंशियल है अपवर्ड मूवमेंट का और आ, सही है प्रोजेक्ट वाइज इतना कोई बुरा भी नहीं है करेगा पम्प इनशा क्योंकि देखो मार्केट के हालात पे है ना सारी चीज़ें बी के ऊपर है ओवरऑल सारी चीज़ें तो ये वाली बात है हमारे पास अभी चले भाई ये सिग्नल पोस्ट करते हैं बर मेहरबानी फिर यहाँ से आप लोगों से फिर मैं इजाज़त लेता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा लव यू दानिश साबरीन पांच सौ डॉलर माशाल्लाह जबरदस्त भाई अल्लाह तला आपको और दे सर फिफ्टी यू एच डी डी है फ्यूचर करवा दें हंड्रेड बनवा दें और कुछ आ, स्क्रीन शॉट अच्छा चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ आपका ना मैसेज ठीक है चलें जी दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी हो मैं कल भी इन ताला लाइव करूँगा इसी टाइम पे तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़